नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। ट्रक टॉक्स का पॉडकास्ट काफी दिन बाद आ रहा है। वंस अगेन वी हैव मिस्टर आदित्य खेरनर विद अस, एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आप लोगों को तो पता ही है कि इंडिया में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, आसान भाषा में बसेस की इंडस्ट्री। अब इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्लॉजेस आते हैं, तो ये पॉडकास्ट बनाने का हमारा रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि भाई बसेस के बिजनेस में कैसे आए, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे, तो उसी के बारे में हम सर से बात करने वाले हैं। तो सर, लेट्स बिगिन। यस, तो सबसे बेसिक अगर हम बात करें तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तीन तरीके के परमिट मिलते हैं। एक होता है टैक्सी परमिट, उसके बाद आता है मैक्सी परमिट, और उसके बाद आता है ओमनी परमिट। तो बेसिकली जो टैक्सी परमिट जो होता है, जो आप ओला उबर देखते हो, अप टू 6 सीटर गाड़ी के लिए टैक्सी परमिट मिलता है। ओके, 7 सीट से लेके 12 सीट के गाड़ी के लिए मिलता है ओमनी परमिट। तो ये इंक्लूसिव ऑफ ड्राइवर होता है, 7 से 12, मतलब 0 to 6 उसमें ड्राइवर इंक्लूडेड है, 7 से 12 में भी ड्राइवर इंक्लूडेड है, और 13 एंड अबो जो भी जितने भी सीट्स की गाड़ी होती है उसको यूजुअली ओमनी परमिट मिलता है। और वो हर स्टेट में तीनों परमिट अवेलेबल होंगे ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ओमनी परमिट अवेलेबल नहीं है। तो महाराष्ट्र में अगर आप कोई भी 7 से 12 सीट की गाड़ी येलो नंबर प्लेट में या कमर्शियल यूज में खरीदना चाहते हो तो आप नहीं खरीद सकते। तो महाराष्ट्र में या तो आप कार खरीदो टैक्सी परमिट में, या तो बस खरीदो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 सीट्स है। ओके, तो बसेस के बिजनेस में अगर समझो कोई एंट्री लेना चाहिए तो इनिशियली मान के चले कि एप्लीकेशन वाइज होता है, जैसे बसेस स्कूल में यूज होती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, स्टाफ ट्रांसपोर्ट, तो एक इंक्लूसिव टूरिस्ट पर्पस के लिए अगर कोई बंदा खरीदना चाहिए 20-25 लाख के बीच में अगर कोई बस खरीदता है कोई भी मैन्युफैक्चरर की, अब ये कोई भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है, फोर्स है, टाटा है, भारत बेंज है, आयशर है, अशोक लेलैंड है, किसी भी मैन्युफैक्चरर की मान के लीजिए अगर हम 22 लाख रुपए एक शोरूम वाली गाड़ी खरीदते हैं, या फिर आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 20 लाख रुपए अगर समझो किसी प्रोडक्ट का एक शोरूम प्राइस है, तो उसे फाइनल रोड तक लाने के लिए, बिजनेस शुरू करने तक क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या कॉस्टिंग्स लगती है अप्रोक्सीमेट, वो हमें बता दीजिए। एंड दोस्तों, ये सारे फिगर जो अभी सर बताएंगे ये अप्रोक्सीमेट फिगर होंगी, ठीक है ना, प्लस माइनस होगा इसमें, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो एक कॉस्टिंग का पार्ट तो हो गया गाड़ी का एक शोरूम प्राइस, उसके बाद आपको लगेगा इंश्योरेंस, उसके बाद कमर्शियल गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो एप्लीकेशन वाइज सीटिंग वाइज वेरी करते हैं। जैसे अगर मैं स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ बट मैं किसी और से गाड़ी लगवा रहा हूँ, मतलब मेरी खुद की कंपनी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर गाड़ी लगा रहा है तो उसमें रेट अलग होता है। अगर मैं खुद एज ए कंपनी गाड़ी खरीद रहा हूँ फॉर माई स्टाफ तो उसमें पर सीट का रेट अलग होता है। यूजुअली पैसेंजर मूवमेंट में पर सीट पे रेट चलता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ मेरे स्टाफ को लेके जाने का, तो 1700 रुपए पर सीट पर ईयर तक का टैक्स लग सकता है, अप टू 19 सीट व्हीकल है तो, और 20 के ऊपर ज्यादा सीट है बस में तो 1900 रुपए पर सीट पर ईयर। ये हो गया नॉन एसी के लिए। वही अगर मैं एसी गाड़ी लेना चाहता हूँ तो डायरेक्टली 6500 रुपए पर सीट पर ईयर का टैक्स लगता है। सर, ये पर सीट में ड्राइवर सीट भी इंक्लूड होता है या? नहीं, ये सिर्फ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे लगता है, एक्सक्लूडिंग ऑफ ड्राइवर सीट। ओके, अगर मैं एज ए कंपनी खुद कंपनी स्टाफ के लिए गाड़ी ले रहा हूँ तब तो 1000 रुपए नॉन एसी गाड़ी के लिए लगता है 1000 रुपए पर सीट पर ईयर, और 2000 रुपए पर सीट पर ईयर लगता है एसी गाड़ी के लिए। तो मैं एज ए कंपनी जब गाड़ी लेता हूँ तो टैक्सेशन थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। वही अगर मैं किसी और को बोलता हूँ मेरा स्टाफ लेके आने जाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा टैक्सेशन उसको ज्यादा लगता है। और ये फिगर हर स्टेट में अलग अलग है? हाँ, हर स्टेट में टैक्सेशन अलग अलग है। महाराष्ट्र, ये तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, अभी हम कहीं और जाएंगे, जैसे आप गोवा जाओगे तो वहाँ पे मैक्सी परमिट भी मिलता है, तो आप 7 से 12 की भी गाड़ी ले सकते हो, वहाँ पे टैक्सेशन अलग है, कम ज्यादा हर स्टेट में अलग होता है। यूजुअली जो टूरिस्ट वाली स्टेट्स है वहाँ पे मैक्सी परमिट मिलता ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मेजर पोर्शन जो है अर्निंग का वो पर इसमें ये इंडस्ट्री से आता है, टूरिज्म इंडस्ट्री से। तो जब 2-3 फैमिली साथ में जाती है तो उनको 7 से 12 सीट का गाड़ी चाहिए होता है। बराबर। इसके अलावा भी एक शोरूम प्राइस के ऊपर जैसा आपने कहा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड पर सीट टैक्स डिपेंडिंग ऑन एसी और नॉन एसी, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा आपको परमिट भी लगता है, जो जहाँ पे जो स्टेट में आपको गाड़ी चलानी है तो वो स्टेट का परमिट भी आपको लेना पड़ेगा।
या तो फिर अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो ऑल इंडिया परमिट भी आता है okay. और उसके नॉर्म्स अलग होते हैं hmm. जैसे पुशबैक सीट्स होने चाहिए, एसी होना चाहिए, गैंगवे का विड्थ डिफाइंड होना uh-huh. चाहिए, फिर अंडर बॉडी स्टोरेज भी होना चाहिए okay. बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बस बॉडी बिल्डिंग कोड के हिसाब से बेसिकली। बस बॉडी कोड से तो आपकी नॉर्मल बस भी बनती uh-huh. है जो स्टाफ में स्कूल में यूज होती है, बट ऑल इंडिया परमिट के लिए अलग से गाइडलाइंस है और उसी हिसाब से आपकी आपको बस बॉडी कोड भी फॉलो करना है और ऑल इंडिया इसके अलावा कुछ ऐसे मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जो एक्स्ट्रा पे करने होते हैं कस्टमर्स को इसके ऊपर? ज्यादा से ज्यादा फास्टैग है इसके ऊपर तो कुछ नहीं, इसके ऊपर तो कुछ नहीं। तो मान के चलिए कि एक समझो 20 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैवलर लेते हैं 20 सीटर, तो धंधे पर जब उसको लगानी है उस दिन तक तो अप्रोक्सीमेटली कितना 22 से 24 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा या ज्यादा? जैसे 20 लाख अगर एक शोरूम कॉस्ट है तो 4-5% तो उसको इंश्योरेंस लगेगा, इंश्योरेंस राइट, तो विच इज अराउंड कितना 1 लाख रुपए वो हो गया। फिर आप 20 सीट की गाड़ी ले रहे हो, फिर आप किस पर्पज के लिए चला रहे हो, एसी है नॉन एसी है वो भी मैटर करे। आप अगर स्टाफ के लिए खुद के स्टाफ के लिए यूज कर रहे हो तो 20,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया और परमिट का 5-6,000 जो भी लगेगा वो। ओके। तो कितना 20 लाख प्लस 1 लाख इंश्योरेंस प्लस 20,000 आपका रजिस्ट्रेशन प्लस आरटीओ, तो लगभग 21.5 तक आप गाड़ी ऑन रोड यूज कर सकते। तो ये था एक छोटा सा बाइफर्केशन दोस्तों, लेकिन ये जो है ना ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है, ठीक है। तो इसका जो है अभी आप वीडियो ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हो, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में ये क्लॉजेस अलग अलग हो सकते हैं, तो आप नियरेस्ट डीलरशिप में जाके जो जिस भी ओईएम का आप गाड़ी खरीद रहे हो वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगे कि क्या टैक्स लगेगा अपनी स्टेट में, कौन से और परमिट अगर स्टेट स्पेसिफिक होंगे तो वो लगते हैं कि नहीं, वो सब तो स्टेट स्पेसिफिक लोग ही बता पाएंगे। राइट। और सर ये जो बसेस की टर्म्स में एक टर्म होती है रूट परमिट, इसका क्या मतलब होता है? रूट परमिट बेसिकली एक फिक्स रूट होगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आप गाड़ी उसी रूट पे चला सकते हो, आप उस रूट से डेविएट नहीं कर सकते विदाउट दैट परमिट। तो आप पॉइंट ए टू बी जाओगे, बी टू ए जाओगे, तो ये इसको हम स्टेज कैरेज भी बोल सकते हैं। बट स्टेज कैरेज में क्या होता है कि देर आर मल्टीपल रूट्स, एज इन ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, तो ये हो गया स्टेज कैरेज जिसमें आप एन रूट कस्टमर को पिकअप कर सकते हो। रूट कैरेज में वो वैसे नहीं कर सकते, रूट परमिट में आपने एक जगह पे पैसेंजर पिकअप किए तो आप उनको सीधा नेक्स्ट स्टॉप पे छोड़ोगे, बीच में आप कोई पैसेंजर को पिकअप नहीं कर सकते। लीगली इनलीगली तो सारी चीजें लोग करते हैं तो। बट लीगली रूट परमिट का मतलब यह है कि आपने पॉइंट ए से लोग उठाए, आप उनको पॉइंट बी पे छोड़ोगे, बी से उठाए ए पे छोड़ोगे, इन बिटवीन आप किसी को छोड़ोगे भी नहीं और बिठाओगे भी नहीं। तो फिक्स बिजनेस करने वालों के लिए ये एक सही ऑप्शन है रूट परमिट वाला, जिनको समझो मुंबई नागपुर रूट पर ही गाड़ी चलानी है, वो स्टेज कैरेज हो गया क्योंकि मल्टीपल सिटीज आएंगी ना बीच में, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है बेसिकली या नहीं? स्टेज कैरेज में देखो महाराष्ट्र में तो स्टेज कैरेज परमिट मिलता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे है जो मतलब लगभग 50-60 साल से बिजनेस में, उनके पास कुछ बहुत गिने चुने लोगों के पास ही स्टेज कैरेज का परमिट है अभी। स्टेज कैरेज का परमिट अभी मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए जो मेजरली जो हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है महाराष्ट्र में वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे चलती है या फिर ऑल इंडिया परमिट में चलती है, पे चलती है राइट। बाकी कोई परमिट नहीं मिलता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ओके। तो ये थे कुछ बेसिक फंडे बस बिजनेस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, इसके में कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए सर? सारी चीज तो हमने बात कर ली है वैसे, परचेजिंग के लिए हमने बात कर दी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब इस बिजनेस में आ रहे हो तो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है क्योंकि आपके पास किसी स्कूल का या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए या तो फिर आपका खुद का कंपनी होना चाहिए जिसमें आप स्टाफ के लिए मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे स्टाफ लेके जाना है। फिर अगर आप जब फंडिंग कराने भी जाओगे, अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर आप इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है फंडिंग में। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो आपको जरूरी किसी बैंक से या फाइनेंसर से फंडिंग कराना पड़ेगा, तभी वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है गारंटर के कि कोई ऐसा आदमी जो इस धंधे में ऑलरेडी काम कर रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो वैसे आदमी का गारंटी आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा तब जाके आपको फंडिंग होगा। अगर आपका खुद का स्टाफ के लिए गाड़ी लेना है तो बस आपके कंपनी के नाम पे टर्नओवर पे उस पे इनिशियली थोड़ा कमी होगा, पहले गाड़ी के लिए आपको फंडिंग कमी होगा, बट जैसे जैसे आपका क्रेडिट बिल्ड होते जाएगा
आपका क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ते जाएगा, वैसे ही आपका लोन का इन फ्यूचर वो परसेंटेज एलटीवी भी बढ़ता जाएगा। बेसिकली आसान भाषा में यार डरिए मत, ठीक है ना, ये वीडियो को एज अ रेफरेंस यूज कीजिए और मार्केट में रिसर्च कीजिए और इस बिजनेस में उतरिए। काफी बढ़िया बिजनेस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस इंडिया के मतलब शौक का भी बात है एंड काफी एक सेटल्ड बिजनेस है एंड काफी वाइड बिजनेस है। जैसे कि अभी रस्तों की सिचुएशन दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, तो ऑब्वियसली आप टूरिज्म सेक्टर में ये गाड़ी अच्छे से चला सकते हो, अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। एंड ट्रक टॉक्स के थ्रू मेरा सुझाव ये रहेगा कि छोटी गाड़ियों से शुरुआत कीजिए, फिर बड़ी गाड़ियों पर जाइए, तो ये काफी बढ़िया रहेगा। एंड इस सीरीज में हम काफी सारी वीडियोस लाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीक जो वीडियो आएगी वो स्लीपर कोचेस पर होने वाली है एंड उसमें हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ द स्लीपर कोचेस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर आदित्य खैरनार फॉर बींग इन एवरी पॉडकास्ट ऑफ ट्रक टॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल आई का चैनल ब्लॉग ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।